रिक्वायरमेंट ये पड़े, लिस्ट एनी फोर सिचुएशंस इन विच ईओक्यू मॉडल फॉर डिटरमिनिंग ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्टॉक बिकम्स इनवैलिड। ये मेरा ख्याल है फिर वही चीज है, सेंटेंस की ट्रांसलेशन, किस सिचुएशन में ईओक्यू लेवल इनवैलिड हो जाए, बल्क डिस्काउंट हो, लीड टाइम कॉन्स्टेंट नोन ना हो, एनुअल डिमांड कॉन्स्टेंट ना हो। अच्छा, चार उसने कही है, जब आप पढ़ेंगे ना वहां भी चार ही है, उसके साथ साथ कॉस्ट पर ऑर्डर कॉन्स्टेंट हो, कॉस्ट पर ऑर्डर कॉन्स्टेंट होना, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट सेम रहना, ये भी हमारी अजम्पशन है, वो वहां पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह चौथी भी नजर आ जाएगी। कौन सा पेज जरूर पढ़ना है, दोबारा दोबारा ढूंढ के बताए, ना ना ढूंढना है, ढूंढना है, ढूंढना है। 264 जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें चौथी भी दो तीन बातें जो मैंने भी की है उसमें आ जाएंगे, इधर नोट कर लीजिएगा। और उसी तरह की चीज फिर यहाँ भी है, इसका भी होमवर्क रखेंगे, दोनों पढ़ेंगे। आपने मुझे बताना है इन दोनों में लिखते हुए डिफरेंस तो नहीं लिखा उसमें, दोनों उधर बी उधर सी इधर बी सॉरी उधर सी इधर ए, क्या हुआ इनका, क्या हुआ इनका होमवर्क हो गया। इस तरह की चीजों को भी सीरियस लिया करें यार, हर वक्त सवाल करते रहते हैं, इसकी बात हो रही है, बी रिक्वायरमेंट पेज नंबर रिपीट करें। इस वक्त कौन से बुक पिछला है, 385 पे, इसमें इसके बाद पेज नंबर 385 पे है, रिक्वायरमेंट कौन सी हो रही है, ए होमवर्क हो गई है, बी पढ़ना शुरू कर दी। मैं जमाल लिमिटेड परचेजेस रॉ मटेरियल T3 फॉर इट्स प्रोडक्ट्स DBO ऑन क्वार्टरली बेसिस अंडरलाइन, इतनी सी बात में वो बहुत कुछ बता देता है। क्वार्टरली बेसिस का मतलब साल में चार दफा, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू रिवाइज द एग्जिस्टिंग पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स ऑफ T3। एग्जिस्टिंग पॉलिसी क्या है, साल में चार ऑर्डर, ठीक है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड, एनुअल प्रोडक्शन किसकी, हु इज DBO, फिनिश को कैसे पता चला, व्हाट इज द नेम ऑफ रॉ मटेरियल, T3 इज रिक्वायर्ड फॉर DBO, व्हाट इज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ DBO, ईच यूनिट ऑफ DBO रिक्वायर्स 1 kg, ये तो सिंपल ही हो, ऑफ T3 विच इज द रिजल्टेंट क्वांटिटी आफ्टर नॉर्मल लॉस ऑफ 5%, ये कितने परसेंट रह जाने हैं। मेरा ख्याल इससे ज्यादा एग्जामिनर नहीं एक्सप्लेन करके दे सकता कि वो क्या कहना चाहता है, वो रिक्वायर्ड बताना चाहता है, इससे ज्यादा ना उससे डिमांड करें कि वो रिक्वायर्ड और कैसे बताए। ईच यूनिट रिक्वायर्स 1 kg विच इज रिजल्टेंट क्वांटिटी, 1 kg किसके बाद बचेगा, लॉस के बाद बचेगा, 95 है 100 है, 1.05, एक इन चक्रों पड़ेगी, ये तो 105% हो जाएगा यार, 95, अल्लाह करे लॉस के बाद क्वांटिटी बढ़ जाए। अच्छा 1.05 केजी, शुक्र है, मैं परसेंटेज ठीक है, अल्लाह यार तुम बोलो, चलो शुक्र, सॉरी है, डबल सॉरी मेरी सर, ट्रिपल सॉरी नहीं, मतलब मैं बहुत ज्यादा हो गया। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट बाय सप्लायर फॉर द परचेज ऑफ T3 इज 3500 केजी, हाउएवर द सप्लायर ऑफर फॉलिंग प्राइसेस एट डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटीज, 3500 केजी खरीदेंगे तो क्या होगा, 4000 तक जाएंगे तो, 5000 और अगर ऑर्डर करेंगे तो, किसको ऑर्डर करेंगे तो। नेक्स्ट लाइन, जमाल एंटरप्राइजेस जमाल लिमिटेड मेंटेन्स क्या, कितना कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ईच ऑर्डर इज 42, आउट ऑफ विच 1780 परटेन्स टू, क्या करेंगे। अगला बहुत गौर से पढ़ना है, होल्डिंग कॉस्ट पर केजी ऑफ एवरी स्टॉक इज 260 विच इंक्लूड रेंट ऑफ 180 फॉर फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ईच केजी, वेरिएशन द स्टॉक हेल्ड हैज नो इफेक्ट ऑन द रिमेनिंग होल्डिंग कॉस्ट। बड़ा कुछ कह गया इस लाइन,
260 में जो 180 है, क्या ये वेरिएबल है या फिक्स है? दो सौ साठ वेरिएबल है या फिक्स है? दो सौ साठ में जो रिमेनिंग 80 है वो फिक्स है या वेरिएबल है? कभी कुछ पूछता हूँ, कभी कुछ पूछता हूँ, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। 260 क्या है? दो सौ साठ क्वेश्चन साइलेंट है। 260 क्या है? 260 का रिमेनिंग कितना है? रिमेनिंग है या 180 में रिमेनिंग भी कुछ है? 80 रुपीज में रिमेनिंग है, वो क्या है? क्या है बट में वेशन इन डज नो हैज नो इफेक्ट ऑन द रिमेनिंग होल्डिंग को। 80 पे फर्क नहीं पड़ता, 80 पे फर्क नहीं पड़ेगा स्टॉक के कम ज्यादा होने से, लेकिन 180 के है, ये वेरिएबल है या फिक्स है? वो रेंट है, रेंट फिक्स होता है। ये रेंट किसके साथ है? पर एनम है, पर पीरियड है, या पर केजी है? स्पेस यूटिलाइजेशन के साथ वेरी कर रहा है। जल्दी से ढूंढे, वापस जाए क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढे, सॉल्वेंट ब्रेक इवन एनालिसिस में जाके। तो सफा नंबर कहीं होना चाहिए, 60 से पीछे हो, 50s में ढूंढोगे। सॉल्वेंट के नाम से क्वेश्चन नंबर 9 होगा। नहीं पीछे काफी, ये बहुत आगे आ गया, 50 से भी पीछे होगा। हाँ 10 अराउंड होगा, फर्स्ट चैप्टर में 10, पेज नंबर 10 जी, सॉरी पेज नंबर 10 केपी की डेरी से। अगला सवाल मेरा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का पॉइंट 1 पढ़ना। अगर स्पेस के एंगल से, अगर स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से आपका एग्रीमेंट हो कि मैं जितने स्पेस घेरूंगा उस हिसाब से रेंट दूंगा, किसके साथ वेरिएबल? स्पेस के साथ ही। अगर स्पेस कम ज्यादा होने से रेंट चेंज हो रहा है तो वेरिएबल है, लेकिन अगर पर मंथ है, पर क्वार्टर है, पर एनम है, तो फिर स्पेस के एंगल से नहीं है, फिर पीरियड के एंगल से है, वो फिर फिक्स है। बताएंगे ए का फिक्स है या बी का फिक्स है? ए का किसका साथ था? नहीं मतलब बर्ड साहब बोलते हैं, बर्ड पर मंथ, पर मंथ, पर मंथ है शायद, लेकिन बी का बेस्ड ऑन स्पेस यूटिलाइजेशन। तो स्पेस यूटिलाइजेशन के हिसाब से वेरिएबल होगा या फिक्स होगा? क्यों वेरिएबल होगा? वेरी करेगा, कम रखेंगे तो कम स्पेस घेरेंगे, कम रेंट देंगे, ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा स्पेस घेरेंगे, ज्यादा रेंट देंगे। तो क्या रेंट फिक्स होता है वेरिएबल होता है? शायद बाय डिफॉल्ट फिक्स ही होता है, अनलेस पता चल जाए कि हमें वेरिएबल चेंज होता है, चेंज हो भी सकता है। आगे वापस फाइनल बताएं, 260 के है होल्डिंग कॉस्ट पर, उसमें ये 180 क्या है? ये तो वेरी करेगा, लेकिन जो बाकी है वो वेरी नहीं करेगा। तो हमसे यहाँ रेलिवेंट कौन सा होगा, 180, 80 या 260? 180 ही रेलिवेंट होगा, 260 में 80 शामिल है, तो वो जो 80 है वो वेरी नहीं करना किसके साथ, स्टॉक के साथ, उसने एज इट इज ही रहना है। तो समझ आ गया प्लीज, क्या उठाएंगे यहाँ से 180? चलिए भी वर्किंग करवाएगा, लेकिन रिकॉर्ड में पढ़ो, क्या डिटरमिन करना है आपने किसका, ताकि क्या हो, कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। अब यहाँ आपने एक बात गौर से सुननी है, क्या यहाँ ईओ क्यू निकालना है? कुछ क्वेश्चन ऐसे आपने किए हैं, कंसंट्रेशन रखा जरा, कि जिसमें उसने कहा ईओ क्यू निकालना और फिर डिस्काउंटेड लेवल से कंपेयर करें। बहुत से क्वेश्चन हम करते चले आए हैं यहाँ तक। अब यहां जरा ढूंढने, जरा पॉइंट नंबर 3 पिछले पेज पे शायद रह गए। सप्लायर ने मिनिमम ऑर्डर साइज खुद ही डिसाइड किए हैं, आपने अब इन ऑप्शंस में से मिनिमम ढूंढना, हमारी चॉइस ही नहीं है
कि हम अपनी मर्जी का ऑर्डर साइज डिटरमिन कर सकें, सप्लायर किस किस या किस क्वांटिटी में ही बेचता है, 3500, 4000 एंड 5000। हम खरीद लेंगे 6000, 3735, वो ऑफर ही नहीं है। दोबारा पढ़े पॉइंट नंबर 3, मिनिमम क्वांटिटी सेट बाय सप्लायर इज 3500, हाउएवर फॉलिंग प्राइसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स दिए हुए। तो अब यहां तक आते आते हमने क्वेश्चन जो किए उसमें क्या मांगा होता था, ईओक्यू, मैनेजमेंट वांट्स शिप फ्रॉम ईओक्यू या टू ईओक्यू, ईओक्यू निकाल लें, रिवाइज या एग्जिस्टिंग सिचुएशन देखें, कंपैरिजन करें। अब यहां वो क्या कहता है, रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़े, डिटरमिन द परचेज ऑर्डर क्वांटिटी ऑफर्ड बाय सप्लायर। आपसे ये मांग रहा है कि जो सप्लायर ने क्वांटिटीज ऑफर की हैं उनमें बताएं कि जेएल का खर्चा कहां मिनिमाइज होगा। तो हम क्या निकालने की बजाय बस क्या करेंगे, क्योंकि यहां बहस नहीं है, जो सप्लायर ने क्वांटिटीज ऑफर की हैं हम उन तीनों को जल्दी से कंपेयर कर देंगे और कौन सी सिलेक्शन कर लेंगे जहां खर्चा मिनिमाइज है। किस तरफ जाने की बजाय बस किधर रहेंगे, ईओक्यू की तरफ जाने के बजाय इन्हीं का कंपैरिजन क्यों करेंगे, क्योंकि सप्लायर इन्हीं पेड डिस्काउंट देगा और इन्हीं में से हमें मिनिमम कॉस्ट होगी। डिफरेंस क्लियर हो गया प्लीज, क्या डिफरेंस है, ईओक्यू मांग रहा था फिर कंपैरिजन मांग रहा था, यहाँ क्या मांग ही नहीं रहा, ईओक्यू नहीं मांग रहा, वो क्या कह रहा है, सप्लायर ने जो क्वांटिटीज ऑफर की है उनमें से बताए कौन सा ऑर्डर फिजिबल है। बस रिमेनिंग 5-7 मिनट्स है, लेकिन मेरा ख्याल आप बड़े हो गए, करवाना चाहिए आपको। What is the first option? Business name बताओ जल्दी से। जमाल लिमिटेड। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने क्लियर कर ली बात, एक करवा दे जरा। ऑर्डर साइज 3500, फर्स्ट वर्किंग कितनी होंगी टोटल, कितनी वर्किंग्स करेंगे, क्या करो, नहीं कर लिया आप, शुरू हो गया, मैंने करवा देना, करवा दे, क्या करो क्या करो जी, परचेज कॉस्ट कैसे निकालो, वर्किंग बोलते ना यार, एनुअल डिमांड की वर्किंग करवाए, 19,000 सीधा हो गया मेरा तो पहले, जरा बेक होना है यार, जरा बेक कर दिया मैंने 1 kg डिवाइडेड बाय 95 into 100, आने दे जो आता है, 20,000 चले आ गया, चलो 20,000 के एनुअल डिमांड फाइनली ऑफ T3, वन कहां से आया इनटू वन, 1 kg 95 into 100, 20,000 into 305 कहां से आया, अगर 3500 यूनिट्स का ऑर्डर रखेंगे तो 300 रुपये 500 रुपये 1 kg मिल जाएगा। मेरा ख्याल फिगर्स आप सॉल्व कीजिएगा, सिर्फ फिगर्स अगर मैं ना भी लिख सकूं आप लिख लीजिएगा, टाइम है मुझे, सिर्फ एक वर्किंग कंप्लीट करवा दो। ये एनुअल परचेज समझ आ गई, दूसरे वर्ड से बोले आप, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, एनुअल डिमांड बोल दें 20,000 T3 या DBO, T3 20,000 अब होगी है, डन, डिवाइड बाय ऑर्डर साइज 3500 इनटू फाइनल कॉस्ट पर ऑर्डर बनूने जरा 2400 में इशू बताएं, 4200 में इशू, और कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है, कॉस्ट पर ऑर्डर गिवन है, फिक्स शामिल है, निकाल दें 2420, आंसर आएगा। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, बोल दे कैरिंग कॉस्ट क्वांटिटीज बोले, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस ढूंढने एवरी बफर स्टॉक मौजूद है, मल्टीप्लाइड बाय ढूंढ दे 260 80 180, कंप्लीट करेंगे, ये भी करें बाकी दोनों ऑप्शंस भी करें। लिखते हुए कैंडिडेट का दोबारा ढूंढ लीजिएगा कैसे लीन है,
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स फिगर्स मिल गई आपको? ये कोई फिगर्स बताएगा कि लिखिए, मैं जो कर रहे हैं वो करें वो ना बता जी। 6.1 मिलेगा, 13829 जी, 372, 600, 645, 64, 8586 है। ठीक है मेरी फिगर, आपकी डिफरेंट लग रही मुझे। नहीं क्या आंसर आता ऑर्डरिंग कॉस्ट? नहीं ऑर्डरिंग कॉस्ट ठीक है मेरी 13829। अब टोटल आपका ठीक नहीं लगा, 6486 429। एक और कंप्लीट करने का, बाकी कंक्लूड कर लीजिएगा अपने। अच्छा ये मसला नहीं है, मेन मसला क्या है इस सवाल में और पिछले सवालों में? नहीं मतलब रिक्वायरमेंट से क्या पता चला कि वो गिवन ऑप्शंस में से सिलेक्शन मांग रहा है, परचेज ऑर्डर्स ऑफ सप्लायर में से पिक करना आपने कि कौन सा बेनिफिशियल है। चलिए मेरे ख्याल कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं चंद एक क्वेश्चन दे दूं जो आपने रिवाइज करने कल परसों, पेंडिंग भी डिस्कस कर लेते हैं, तो इन दिनों में टाइम निकाल लो। ये छोड़ दे, घर जाकर कंप्लीट कर लीजिए, ये क्वेश्चन होमवर्क रख लो। अच्छा हमारी छुट्टी अब किस किस दिन है? कल परसों के दिन कौन से हैं? फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इंशाल्लाह अपने नॉर्मल टाइम पर मुलाकात हो, हम संडे नॉर्मल टाइम रख रहे हैं, वो बच्चे हैं आप लोग आराम से संडे का दिन भी पढ़े ना, 2 बजे तक सुबह पढ़े ना इंशाल्लाह। मैं दोपहर एक क्वेश्चन नोट करें, मेरा ख्याल है वॉल्यूम 2 ही फोकस रखना, वेरियंस वगैरह प्रोसेस कॉस्टिंग वगैरह मसल काफी होगी। नहीं वो मैं बता देता हूँ, आप जरा जल्दी से इससे पहले कि मैं क्वेश्चन बोलने शुरू करूँ आप मुझे जरा बता दें काइंडली पेंडिंग क्वेश्चन कौन कौन से मेरी तरफ। लेबर के हैं, लेबर के कुछ पेंडिंग है, बतूल चले हो गया, बतूल से पीछे नहीं जो मैंने डिस्कस करने डिजाइन हो गया, डिजाइन का एक पॉइंट है, ज़ैडिक में एक मसला है, उससे पुराने पुराने दिन मिला, पुराने खत्म है, अर्जेंटीना वगैरह करनी है, यह है मसला उसमें। नहीं मेरा ख्याल, मेरा ख्याल उसमें नहीं है मसला, वो तो टॉय जैसा है, और बतूल और तो पास तो भी शुरू करना ना, और यानी कि ठीक है इसका मतलब बनाना बहुत बड़ा बैकलॉग नहीं है। नहीं फाइन शाइन तो मेरा ख्याल आप लोगों ने करनी है, मेरी तरफ अगर फेंकी जाएंगे तो फ्रांसिस्को भी आ गया मेरी तो भेजी जाए भेजी जी। सबसे पहले लिखें पेज 10 पे, ये मिक्स ब्रेक इवन रिवाइज कीजिएगा, पेज 10 ये दोनों कर लें केपी की, बल्कि इसके साथ एक नया क्वेश्चन रख लो। ये जो मैं दूंगा मेरा अपना एनालिसिस ये है कि डेफिनेटली अगले 2 दिन है तो जो हजरात अकाउंटिंग के 2 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो वो एक दिन अकाउंटिंग का एक सब्जेक्ट रखें, एक दिन दूसरा रखें, और अगर कोई तीसरा सब्जेक्ट है तो उसको घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा दे देंगे देना, खासतौर पर अगर थेरी का सब्जेक्ट है तो मतलब अकाउंटिंग मेरा समझता हूँ 4-5 घंटे निकल जाएंगे ईजिली पूरे दिन में से। तो मैं जो टाइम मैं जो कह रहा हूँ मेरा ख्याल में ये जो मेरी असेसमेंट है मुझे बताइएगा बिल्कुल बाद में कि 5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए इसे किसी दिन, लेकिन जिस दिन भी करें एक दिन पूरा मतलब एट अ स्ट्रेच दें टाइम, ये नहीं कि घंटा अभी घंटा वो बात बनती नहीं है, एट अ स्ट्रेच बैठ के
दिन का टाइम मेरे ख्याल से ज्यादा फिजिबल है, वो बहरहाल आपकी मर्जी। लेकिन एक एक दिन रख लें और 4-5 घंटे बैठे, अगर महसूस हो ये तो काम खत्म हो गया, जो हो सकता है, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन मैंने वही देने जो आपने रिवाइज किए हुए पहले कई दफा पढ़े हुए, तो अगर महसूस हो तो डेफिनेटली आप आजाद हैं कुछ और पढ़ने के लिए, कुछ और पढ़ने के लिए आप आजाद। कौन सा पेज बोला मैंने? पेज नंबर 10 है। इसमें कौन कौन से क्वेश्चन नजर आ रहे हैं? 7 और 9। और इस तरह करें एक एंड में आए, इधर कहीं पेज नंबर ढूंढना है, एंड में आके बुक एंड में है या मैं ही बता दूं? ठीक है, अब ना आए तो नहीं, ये क्वेश्चन पहले नहीं किया आपने जो मैं देने लगा। ये मिक्स ब्रेक इवन का एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल अब आप इंडिविजुअली अटेम्प्ट कर लेंगे। पेज नंबर 457 लिखें, इन दोनों के बाद पेज 457 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यूरेनस। पेज नंबर 457, इन दो के बाद किधर? 7 और 9 के बाद 457 पे क्वेश्चन नंबर 6, ये पहले नहीं किया आपने, देन वापस आए उसके बाद मेरा मतलब मिक्स ब्रेक इवन के अलावा। नहीं मेरे एक मिनट, तो पास तो मेरा मतलब टाइम देंगे, तो पास को एक अच्छी एफर्ट दोबारा करें, तो पास में एक या दो के अलावा इश्यूज रहने नहीं चाहिए। तो पास का पेज नंबर क्या है? 81। तो पास को दें टाइम, तो पास को टाइम दें, लेकिन उधर उधर जाके जो मैंने कल किए थे डन। तो पास के अलावा आठ दस से ज्यादा कोशिश करूंगा ना ही हो, लेकिन 8-10 से कम भी नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए। एक दफा दोबारा डिजिटल देख लें पेज 117, इंडिविजुअली ट्राई करने की कोशिश करें, करने की पेज 117 डिजिटल फैक्ट्री ओवर 117 यार, और कैसे बताऊं पेज नंबर, 3 दफा बोलो। देन उसके बाद पेज 152 पे एक जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन रिवाइज करें, आ रही पेज 152 क्वेश्चन नंबर 3। जिंदगी में ऐसी कोई भी आवाजें आए तो इग्नोर करें, पेपर में भी हो सकता है आवाज आए, बहुत हो गया यार बस का, निबड़ लेंगे उसे लेकिन पेपर के बाद। पेज नंबर 170 क्वेश्चन नंबर 3, नहीं ये हाईटेक। पेज 180 एग्जाम्पल, पेज 170 क्वेश्चन नंबर 3। हो सकता है कई पेजेस पे एक ही सवाल हो, अगर दो निकला दो कर लीजिए, नहीं तो 2 मिनट में क्या मसला। और सर जी ये छोटे छोटे ही हैं, अब इससे छोटे क्या सवाल ढूंढने। डेल रिवाइज करिएगा जी, पेज नंबर 240 डेल। कुछ सवाल तो मशहूर मारूफ हो जाने चाहिए जहन में भी। कौन सा पेज बोला मैंने? 240 डेल। डेल में क्या हुआ था याद है किसी को? आता है यार सर, ट्राई बंदा करे था। मटेरियल को फिर बाद में टाइम दे दीजिएगा, मटेरियल ये जो भी हम करें इसका बस एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट करना। उसके बाद पेज नंबर 3 और 4 कितने हुए अभी? कोई नहीं कम है अभी, 20 होने चाहिए, मेरा असेसमेंट गलत थी। पेज नंबर 304 अब अभी मिक्स ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ वेरिएंस वगैरह, और मेरे ख्याल में बगैर किसी रिवीजन के अब याद आने चाहिए, कोशिश कीजिएगा। बगैर रिवीजन मींस कि बगैर कोई छोटा मोटा सवाल देखें कहाँ तक जहन में आता है। हाँ अगर महसूस हो तो यकीन देखें तो पुराना सवाल। अब अबील था जी, पेज नंबर कौन सा? एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जरा पुराना हो गया, पेज नंबर 324 जी केमिकल्स फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन हुआ था।
पेज नंबर 324 जी केमिकल्स मैं अज्यूम कर रहा हूं जो ओवरहेड्स के मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे वो आपने किए हुए हैं और पॉइंट्स आपके नोटेड हैं ओवरहेड्स के और लेबर के छोटे छोटे थे नहीं उसमें हो पॉइंट्स आए मैं डिस्कस करूंगा अब कितने में सवाल तो मायूसफुल सिचुएशन अब अबीर का पेज में बताइए 11 हो गया कहने का 10 से गेम पास चली गई तो अब पूरी करी ले नहीं तो मैं कह रहा हूँ मैं साथ साथ करी दे आपको पास नहीं आए एक और यूरेनस नहीं आए पहले पुराने फाइनल करने नए होते जाएंगे इंशाल्लाह नयों का मसला नहीं नए कुछ मैंने इसलिए छोड़े ये मैं नहीं कराऊंगा अभी तो फाइनल एक एक सवाल हर टॉपिक का मेरे साथ होगा तो फिनिशिंग टच आएगा तो आप कम से कम छोटे छोटे तो करें कुछ है ऐसे सवाल जो मैंने रखे हुए एबीसी कॉस्टिंग मेरा ख्याल आप लोगों ने एक दफा कर ली कि नहीं तो उसे रहने दें नहीं अब इस वक्त मैं रैंडम दे रहा हूँ लेकिन जिन क्वेश्चन को करने से पहले कोई क्वेश्चन बताया मैंने वो डेफिनेटली पहले करें बाकी अभी रैंडम इस वक्त देन उसके बाद ये एक दिन का काम है एक दिन के हार्डली ये 3 घंटे का काम है अगर आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया हार्डली कितना कह रहा हूं पेज 459 मोबाइल ऑफ हो और सवाल हो रहा हो पेज नंबर 459 पे दो रख लें 8 9 एक वेरिएंस का भी चले रख ही ले और नीचे फिर वो एक है वो लिमिटिंग फैक्टर पेज नंबर 459 8 9 आप बताएं कितने हुआ अब होने चाहिए ये आपका 5 से 6 घंटे लगने चाहिए किसी एक दिन में करते ये मुझे अगर जल्दी से बोल दें कौन कौन से सवाल मैंने कहे सिर्फ पेज नंबर बोल दें सिर्फ पेज नंबर 81 वॉल्यूम 2 के सारे पेजेस है कोई एक बोल देगा मैं चांस देता हूँ सबको 2-4 ये बोल दे फिर मैं उसे एक मिनट जी आप बोल दें कोई बोल दे यार आप बोल दे आप बोल बस खत्म बताओ पीछे बाइक वाला सेक्टर नहीं 81 यार मैं 10 भी तो कहा था यार तरतीब सबसे पहले 10 10 457 170 180 240 81 मिसिंग है यार 81 नहीं छोड़ दे नाम छोड़ दे आगे 324 459 इतने सारे और थे यार 304 152 385 कहाँ लिखवाए ये क्वेश्चन साइलेंट था आपका 117 अब देखने तकरीबन पूरे हो गए ये चेक कर ले लास्ट लाइन वाला बंदा चेक कर ले जरा सही नजर आ रहा 385 बाद में लिख दिया वैसे बताया नहीं मेरे ख्याल में कोई माइंड अप करे जल्दी से ढूंढे डाटा कैसा एक्सपीरियंस रहा घर पढ़ने का हमने मेरा सेंटेंस है पूरा नहीं सुना आपका महसूस हुआ शायद मैंने कहा कि आपका घर रहने का एक्सपीरियंस कैसा रहा एक और क्वेश्चन कम्प्लीट करवाएं आपको रिक्वेस्ट भी की थी जो क्वेश्चन कम्प्लीट कर लीजिए किसने भी नहीं किया 5% नॉर्मल लॉस था कितने केजी खरीदने पड़ेंगे कितने यूनिट सॉरी खरीदने पड़ेंगे पेज नंबर रिपीट कर दें सर 385 वाला क्वेश्चन माइंड अप करेंगे बात आगे बढ़ाना अगर 4000 ऑर्डर साइज होगा तो परचेज प्राइस शुरू कर लें यार प्लीज अगर 4000 ऑर्डर साइज देंगे तो परचेज प्राइस क्या होगा
20,000 इंटू 299 कितना होता है? 598. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करें, फॉर्मूला एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर बताए। 2420 कैसे है? 4200 माइनस 1000 ये चल रहे हो एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस बफर स्टॉक है 320 मल्टीप्लाइड बाय 180। आंसर लिखा है ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी 110 417 टोटल 6409 नंबर 3 सर ऑर्डर साइज 5000 यूनिट्स करें जी कंप्लीट। तो मिला टाइम जो हम चीजें डिसाइड करके गए थे कि ये करनी है, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं समझा तो देता हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे और उसका लेबर वाला पॉइंट कोई एक आध वर्किंग खुद सभी कर लें, वैसे बोर्ड पे ना देख के लिखना शुरू हो जाए, बंदा धुंध लिखे जा रहा है। थर्ड थर्ड में ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या आती है? कैरिंग कॉस्ट टोटल कॉस्ट 6437 280 कंक्लूड करें। क्लास है सुबह हो दोपहर हो शाम हो, स्टार्टिंग पॉइंट मुश्किल ही है। सेकंड तो नहीं ना लिखना यार, अंग्रेजी का सेंटेंस लिख के कहने में सेकंड ऑप्शन बेहतर है जो सेंटेंस बना। JL should adopt order size of should place orders JL should place order based on order size of
ऑर्डर साइज 4000, उसकी क्या वजह? इस क्वेश्चन में और इससे पिछले जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, इसमें और उन सवालों में क्या डिफरेंस है? एक नजर अगर देखें, वो तीनों सवाल देखने पहले किए, तीन चार सवाल पहले हुआ जी, नहीं इससे पहले जो सवाल होते हैं, ऑर्चिड था या अरोमा था या हॉकी था या चोको किंग था या उससे पीछे था, जितने क्वेश्चन किए थे इससे पहले उसमें ईओक्यू के साथ डिस्काउंट ऑप्शंस दिए थे, तो फिर एक बार हम ईओक्यू लेवल पे कर लेते, डिस्काउंटेड लेवल पे कर लेते, और अगर ईओक्यू फाइंड आउट नहीं किया होता तो पहले ईओक्यू फाइंड आउट करता, ठीक है? लेकिन यहाँ क्या फर्क है, यहाँ उसने ईओक्यू के बेस पे आपसे डिसीजन मांगा नहीं है, उसने क्या रिक्वायरमेंट मांगी है जरा पढ़ेंगे, नहीं मतलब उसके रिक्वायरमेंट से पता चलता ना सही है। ऑर्डर साइज जो जो सप्लायर दे रहा है ऑर्डर, उनमें से बताएं कौन सा मिनिमम है, ठीक है?